तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप हर रैंक मैच में न्यू प्लेयर कैसे ला सकते हो। फ्रेंड्स आप जब भी रैंक मैच खेलते होगे तो फ्रेंड्स आपको गेम के अंदर हाई लेवल के बंदे मिलते होंगे, जिसके कारण आप गेम के अंदर बहुत ही जल्दी मर जाते हैं एंड आपका रैंक बहुत ही माइनस हो जाता है, जिसके कारण आप हीरोइक तक नहीं पहुँच पाते हैं। पर फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक का उपयोग करके आप आसानी से रैंक मैच में न्यू प्लेयर ला सकते हैं एंड आप न्यू प्लेयर को मार के अपने कैरी रेट को भी इंक्रीज कर सकते हैं एंड आप हीरोइक तक आसानी से जा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको जानना है कि रैंक मैच में न्यू प्लेयर कैसे लाया जाता है तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना, वीडियो को जरा से भी स्किप मत करना, नहीं तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर ही बाहर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स आपको रैंक मैच में न्यू प्लेयर लाने के लिए कुछ करना नहीं है, सिंपली फ्रेंड्स मैं आपको तीन स्टेप बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो करते हो तो आसानी से रैंक मैच में न्यू प्लेयर ला सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको पहला स्टेप बताता हूँ जिसे आप फॉलो करते ही आप रैंक मैच में न्यू प्लेयर ला सकते हो। तो फ्रेंड्स ऊपर में आपको एक्सपेंशन पैक का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स आप लोग करते क्या हो कि इस वाले ऑप्शन को आप पूरा डाउनलोड कर लेते हो। तो फ्रेंड्स आपको एक्सपेंशन पैक को पूरा डाउनलोड नहीं करना है, फ्रेंड्स आपको उन्हीं कपड़े को डाउनलोड करना है जो आपको इवेंट में फ्री मिले हैं या आपको गोल्ड रॉयल का बंडल ही फ्रेंड्स आपको डाउनलोड करना है और उन्हीं कपड़ों को लेके आपको रैंक मैच खेलना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको सेकंड स्टेप बताता हूँ जिसकी मदद से आप रैंक मैच में न्यू प्लेयर ला सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको वेपन वाले ऑप्शन में आ जाना है। वेपन वाले ऑप्शन में आने के बाद फ्रेंड्स आपके पास जितनी भी गन की स्किन है फ्रेंड्स आपको उन गन की स्किन को डिफॉल्ट पे सेट कर देना है। आपको कोई भी गन की स्किन को नहीं रखना है फ्रेंड्स, आपको उन सब को डिफॉल्ट पे सेट करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स आपको थर्ड नंबर स्टेप में करना क्या है कि फ्रेंड्स आपको गेम को 10 से 15 मिनट तक मिनिमाइज कर देना है। फ्रेंड्स आपको गेम को 10 से 15 मिनट नहीं खेलना है। फ्रेंड्स जैसे ही आपके 10 से 15 मिनट होते हैं तो फ्रेंड्स आपको गेम को वापस से ऑन करना है एंड फ्रेंड्स आपको सीधे स्क्वाड में रैंक मैच खेलना होगा। फ्रेंड्स आपको किसी भी अपने फ्रेंड को इनवाइट नहीं करना है, ना ही आपको फ्रेंड्स ऑटो मैच को ऑफ कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सीधे मैच को स्टार्ट कर देना है। मैच को जैसे ही फ्रेंड्स आप स्टार्ट करोगे तो फ्रेंड्स आप देखोगे कि फ्रेंड्स आपके लॉबी में सिर्फ न्यू प्लेयर ही आए होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे स्क्वाड में रैंक मैच स्टार्ट किया एंड अभी मेरे लॉबी में सिर्फ न्यू ही बंदे आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं लाइव प्रूफ। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से स्ट्रिक का यूज करके अपने रैंक मैच में न्यू प्लेयर ला सकते हो आप बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर से अगले कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।